नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खेल सकती है मास्टर स्ट्रोक। देश में लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता कानून। एक और संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ रही मोदी सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर में शिवराज्याभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में शिवराज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। छत्रपति शिवाजी पर पीएम मोदी ने कहा कि साहस और वीरता के प्रतीक थे शिवाजी महाराज। आज भी उनकी नीतियां प्रासंगिक। उन्होंने की थी स्वराज की स्थापना, देश की अखंडता को रखा सर्वोच्च। तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कई कार्यक्रमों में आयोजन। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। तेलंगाना के लोगों को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के देवरहा बाबा घाट पर यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव भव्य रूप से किया गया आयोजित। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। अभी भी सेना और आतंकियों के बीच घंटों तक चली मुठभेड़। सर्चिंग अभियान तेज। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। तेलंगाना और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। मां कौशल से कांग्रेस और बीजेपी करेगी चुनावी अभियान का आगाज। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी शुरू करेंगी कांग्रेस का अभियान। 21 जून को पीएम मोदी आएंगे जबलपुर। भोपाल में पूर्व मंत्री कैलाश सारंग की जयंती पर मात्र पितृ दिवस का आयोजन। मंत्री विश्वास सारंग ने बुजुर्गों की पूजा अर्चना कर उनके पैर पखारे। भोपाल में विनय सहस्त्र बुद्धे पहुंचे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। विशेष संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम। विकास तीर्थ कार्यक्रम में हुए शामिल। सांसद साध्वी प्रज्ञा रही मौजूद। बाबा महाकाल के दरबार में नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने की पूजा। बाबा महाकाल को अर्पित की 100 रुद्राक्ष की माला। दो दिन के एमपी दौरे पर इंदौर पहुंचे नेपाल के पीएम। सीएम शिवराज ने इंदौर एयरपोर्ट पर की आगवानी। प्रचंड का हुआ भव्य स्वागत। इंदौर में सीएम शिवराज का दिखा अलग अंदाज। नेपाली टोपी पहनकर किया प्रचंड का स्वागत। बोले भारत और नेपाल के संबंध और होंगे मजबूत। छतरपुर गौरव दिवस पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। बनेगा नगर निगम, छत्रसाल स्मारक बनाने की भी घोषणा। भोपाल में राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां। बोले महंगाई का सूचकांक नहीं ऊपर, गैस सिलेंडर के दाम जरूर कुछ बढ़े, ये हम भी कर रहे महसूस। मनोज मुंशीर के भोपाल के नाम बदलने की मांग पर सियासत। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान, सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है बीजेपी, विकास कार्यों पर नहीं है फोकस। मनोज मुंशीर के भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की मांग पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मेरी तरफ से भोजपाल नाम करने का रखा गया था प्रस्ताव, तत्कालीन यूपीए सरकार ने प्रस्ताव को किया था निरस्त। मंदसौर गोलीकांड पर सियासत, कमलनाथ के मंदसौर दौरे पर बीजेपी का निशाना। मंत्री विश्वास सारंग बोले, लाशों पर सियासत करना कांग्रेस की पुरानी आदत। भोपाल के जेपी अस्पताल से मैटरनिटी स्टाफ 50 बेड काटजू अस्पताल में शिफ्ट करने का मामला। पीसी शर्मा का बयान, कांग्रेस करेगी विरोध। सीहोर में साक्षी हत्याकांड को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान, किसी के बहकावे में ना आए बेटियां। देवास पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। कन्नौज में लाडली बहनों के घर पहुंचकर दिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र। आदिवासी हितग्राही के घर किया भोजन। अगर मालवा के दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। धार्मिक यात्रा पर नलखेड़ा पहुंचे, मां बगुलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी। आरडीवीवी ने 3 से 5 जून के बीच आयोजित परीक्षाओं को किया स्थगित। भोपाल में 30 क्विंटल नकली मावा को किया नष्ट। खाद्य विभाग की टीम ने जमीन में किया दफन। ग्वालियर से भोपाल लाया गया था नकली मावा।
शहडोल में झापर नदी में नहाने गई तीन लड़कियों की मौत। 14 वर्ष की आरती पाल, 8 वर्ष की पारुल, 12 वर्ष की पलक की मौत। लोहारी थाने के सौता गांव की घटना। मुरैना में ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पिता पुत्र की गई जान। एक शख्स की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। कठुर में दिव्यांग युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण, दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था आरोपी, पीड़िता ने की शिकायत पुलिस में शिकायत, आरोपी फरार। गुना के छछौड़ा में प्रसाद देने के बहाने 8 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़, मां सुशीला तपोवन आश्रम के बाबा पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने बीनागंज बस स्टैंड पर लगाया जाम। मुरैना में घूरे पर कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद, दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 7 लोग घायल, तरेनी गांव का मामला। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र के मझगांव में दो भाइयों ने पीट पीट कर ससुर को उतारा मौत के घाट, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, सास बहू के बीच विवाद में बीच बचाव करने पर हत्या। जबलपुर में वाहन चोर गैंग पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 15 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास 125 चोरी की बाइक बरामद। उज्जैन के महाकाल लोक में फाइबर की प्रतिमाएं टूटने पर बड़ी पत्थर की मूर्तियों की मांग, तेज आंधी तूफान में टूट गई थी फाइबर की मूर्तियां। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पथ के लिए बनाई जा रही मिंट स्टोन की प्रतिमाएं। हरदा जिला अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग की क्षेत्रीय संयुक्त संचालक मीरा चौधरी ने निरीक्षण किया, अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में खामियां पाए जाने पर डॉक्टरों को लगाई फटकार। शिवपुर में चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क में कम पड़ती जा रही जगह, नरचीते पवन के बाद अब मादा चीता आशा भी कूनो से निकलकर शिवपुरी के जंगल पहुंची, वन विभाग वापस लाया। भोपाल के एमपी नगर में गुंडों का आतंक, शराब को लेकर भिड़े दो गुट, सड़क पर शराब पीने से मना करने पर हुआ विवाद। भोपाल में ढाबे पर शराब परोसने को लेकर कार्रवाई, 42 लोगों पर मामला दर्ज, 24 बोतल महंगी शराब जब्त। ग्वालियर में पिता की लाइसेंसी पिस्टल से युवक ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में दिनदहाड़े चाकू की नोक पर नई कार और 3.5 लाख की लूट, पुलिस ने मामला किया दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज। नमो हिजाब मामले पर स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी, प्रबंधक हाजी मोहम्मद इदरीश का बयान, छात्राएं स्कार्फ और या दुपट्टा स्वेच्छा के अनुसार पहन सकती है। नमो हिजाब मामले पर सीएम के सख्त तेवर के बाद कड़ी कार्रवाई, गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन ने हिजाब बंधन हटाया, लव पे आती है दुआ, गीत भी नहीं गाए जाएंगे। हरदा में बकाया बिजली बिल की वसूली, बकायेदारों की काटी गई बिजली, विभागों से भी बिल जमा करने के लिए कहा गया। ग्वालियर में भितरवार थाने से चोरों ने पीओएस मशीन की चोरी, सीसीटीवी से हुआ खुलासा, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी। रतलाम के बारे में बदमाश ने कर्मचारी को मारा चाकू, गाने की फरमाइश पूरी नहीं होने पर हंगामा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छिंदवाड़ा में बीच सड़क पर फैमिली ड्रामा, पत्नी ने की पति की जमकर पिटाई, बरसाए बेल्ट। मंडला में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर युवक की मौत, महिला घायल, ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। कूनो पार्क में चीतों के लिए जगह पड़ी कम, चीते पवन के बाद अब मादा चीता आशा पहुंची शिवपुरी, शिवपुरी वन रेंज में मिली लोकेशन, वन विभाग की टीम कर रही ट्रैक। ग्वालियर के धूमेश्वर महादेव मंदिर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की पूजा, प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना, भितरवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। धार्मिक नगरी ओरछा का रामराजा लोक का पहला लुक आया सामने, कलेक्टर और अधिकारियों ने किया मंदिर प्रांगण का निरीक्षण, कलेक्टर ने प्रबुद्ध लोगों से मांगे सुझाव। भिंड में एक साथ 3 बच्चों का जन्म, डॉक्टर्स ने कराई नॉर्मल डिलीवरी, मां और बच्चे स्वस्थ। हरिद्वार में चेतन ज्योति आश्रम पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, स्वामी ऋषिश्वर आनंद जी के किए दर्शन, हरिद्वार के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। रायगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन भी रामायण का मंचन जारी, इंडोनेशिया के कलाकार भी देंगे प्रस्तुति, 7 सदस्यीय टीम आज करेगी रामलीला का मंचन। जगदलपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में भावुक हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शहीद महेंद्र कर्मा को
याद कर हुए इमोशनल, पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुए दुर्व्यवहार को किया याद। सीएम भूपेश बघेल ने मोहन भागवत पर साधा निशाना, संघ सांस्कृतिक संगठन भागवत ने राहुल गांधी पर दिया था बयान। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में बोले सीएम भूपेश बघेल, बस्तर के शेर टाइगर महेंद्र कर्मा ने दिया बलिदान, अब बदल रहे हैं बस्तर के हालात, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता। जगदलपुर में कांग्रेस का सम्मेलन, सीएम सहित दिग्गज नेताओं का जमावड़ा, विधानसभा चुनाव पर मंथन। जगदलपुर में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में कई पार्टी कार्यकर्ताओं के पर्स हुए चोरी, कांकेर से पहुंचे कार्यकर्ता हुए मायूस, विधायक राजमन बेंजाम बोले पकड़े जाएंगे चोर। बस्तर में कांग्रेस के सम्मेलन पर बीजेपी का निशाना, पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, बीजेपी पहले से बस्तर को समर्पित। पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सुशील आनंद शुक्ला का बयान, बस्तर में कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की स्थिति बद से बदतर। जेसीसीजे पार्टी के विलय या गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस का तंज, सुशील आनंद शुक्ला का बयान, जेसीसीजे पार्टी तब थी जब अजीत जोगी जीवित थे, अब ये पार्टी कुछ लोगों का गिरोह बनकर रह गई। जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का समर्थकों को पत्र, पत्र में पार्टी को लेकर इस हफ्ते निर्णय लेने की बात, कार्यकर्ताओं से कहा आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। मुंगेली में कर्मचारी संगठन का हड़ताल जारी, 20 दिनों से पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ भी हड़ताल पर, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। उर्वा में सीएल की बाकी बस्ती में पानी को लेकर प्रदर्शन, पुराना मड़वा डोडा में जल आपूर्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल मौके पर रहा तैनात। कोरबा में सीसीएल कुसमांडा खदान से प्रभावित भू विस्थापितों का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने विस्थापितों के आंदोलन को दिया समर्थन, नौकरी और पुनर्वास की मांग। मनेन्द्रगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल, कार्यालय में लटका ताला, मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। खैरागढ़ जिले में कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म, पिता ने हाई कोर्ट में लगाई गर्भपात की याचिका, कोर्ट ने दी इजाजत, आरोपी को सजा दिलाने के लिए भ्रूण सुरक्षित रखने की निर्देश। कवर्धा में 12 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, कार से करे क्विंटल 19 किलो गांजा, मुखबिर की सूचना पर चिल्फी पुलिस ने की कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सोने चांदी के गहने समेत 11 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद, अमलेश्वर पुलिस की कार्रवाई। बेबेतरा में खेत में काम कर रही महिला की करंट लगने से मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, नवागढ़ थाने के बड़कीडीही गांव का मामला। बलरामपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पीट पीट कर हत्या, शादी समारोह में शामिल होने गया था युवक, 6 आरोपी गिरफ्तार, कुसमी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का मामला। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान 44 वर्षीय घायल महिला की मौत, पिछले रविवार को पति ने डंडे और लोहे के रॉड से की थी महिला की पिटाई, छंद कालो गांव का मामला। रायपुर में अशोका रतन स्थित ट्रेंडिंग ऑफिस में चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 14 लाख कैश, 3 लैपटॉप, 1 बेसिक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। पूर्वा के इमली झुग्गू बस्ती के घर में निकला कोबरा, किचन में नाश्ता बनाने गई महिला को दिखा सांप, सूचना पर वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कोंडागांव में 18,000 की अवैध शराब बरामद, कार से शराब बेच रहे कोचिए को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। मुंगेली में कर्मचारी संगठन की हड़ताल जारी, पूर्व मंत्री और मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहरे ने हड़ताली कर्मचारी संगठनों का किया समर्थन, आगर परिसर में प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात। कवर्धा में जेसीसीजे ने किया विरोध प्रदर्शन, वन रक्षक भर्ती मामले में जताया विरोध, वन मंत्री का किया पुतला दहन, नगर के वीर स्तंभ चौक पर प्रदर्शन। रायपुर में मोबाइल टावर में लगी आग, कबीर नगर की घटना, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। रायपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो भी बनाने का आरोप, अपने फर्म में काम करने वाली युवती को बनाया शिकार।
रायपुर में चोर ने बेडरूम में लगा रखा था सीसीटीवी। चोरी केस का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी के पास से 16 लाख के जेवरात किए गए जब्त। रायपुर में पटवारियों की हड़ताल का 19वां दिन। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे स्ट्राइक। राजस्व विभाग के कामकाज ठप। रायपुर में निकाले गए हाउसिंग बोर्ड के प्लेसमेंट कर्मचारी। पीड़ितों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। आंदोलन की दी चेतावनी। 7 अगस्त को भिलाई आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चरोदा में रेलवे के सोलर पार्क का भी कर सकते हैं लोकार्पण। पीएम के दौरे की जल्द तैयारी होगी।